बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वर्तमान समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं। देश और विदेश में भी आज इनके करोड़ों की संख्या में भक्त मौजूद हैं। बागेश्वर धाम सरकार से विवाह की कामना लेकर MBBS की छात्रा शिवरंजनी तिवारी द्वारा गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सर पर गंगा जल का कलश लेकर पदयात्रा शुरू की गई है। शनिवार को शिवरंजनी तिवारी चित्रकूट स्थित संतोषी अखाड़ा पहुंची, जहां चित्रकूट के साधु संतों के समक्ष भजनों का गायन करते हुए मनोकामना पूर्ति हेतु आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान शिवरंजनी तिवारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सर पर गंगा जल का कलश लेकर पदयात्रा की जा रही है। लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे द्वारा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से विवाह की कामना को लेकर यह पदयात्रा शुरू की गई है। बार बार पूछे जाने के बाद भी शिवरंजन तिवारी द्वारा केवल यही कहा जाता रहा कि सभी लोग आगामी 16 तारीख का इंतजार करें। मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, जब से मैंने सर में कलश रखा है तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराषि हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणा निधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूँगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। तो सभी लोग मुझे देखते रहिए, सर्च करते रहिए शिवरंजनी नहीं। ये बताएं, आपके मन में ऐसा कोई भाव है क्या? मैं ये क्यों बताऊँ, जो मेरे मन में है वो तो महाराष्ट्र खुद बताएंगे ना। मैं अगर बता दूंगी तो फिर वो नहीं नहीं कुछ बातें राजी अच्छी। महाराज जी तो सबके मन की भाव का भाव जानते हैं, लेकिन स्वयं के मन का भाव तो स्वयं ही जाना जा सकता है। हाँ, तो उसको उसको आप प्रकट कर देना। नहीं, मैं प्रकट करना नहीं चाहती, ये बात राज रहे उतना ही अच्छा है। जब तक 16 जून को गुरुदेव जी के साथ में हम लोग लाइव मिल जाते हैं महाराष्ट्र के साथ में, तो क्या यह माना जाए कि ऐसा भाव है? मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, जो भी बताएंगे हमारे महाराष्ट्र ही बताएंगे, मैं क्यों कुछ कहूँ। लेकिन उनके द्वारा कही गई बात से यह साफ साफ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनमें उनके द्वारा एक जगह पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को प्राणनाथ कहा गया है, कि उनके विवाह की कामना को लेकर ही पदयात्रा की जा रही है। उनके द्वारा केवल यही कहा जाता रहा कि आगामी 16 तारीख को पूज्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ही उनके मन की बात बताएंगे। इस बात पर संतोषी अखाड़े के महंत श्री रामजी दास महाराज से पूछने पर उन्होंने कहा कि विवाह संस्कार विधि का विधान होता है, लेकिन अगर इसी कामना को लेकर शिवरंजनी तिवारी द्वारा पदयात्रा की जा रही है, तब फिर चित्रकूट के साधु संतों का पूर्ण आशीर्वाद है। ये तो उनकी अपनी प्रतिज्ञा है या हम लोगों का प्रश्न है, ये तो नहीं बता सकते, परंतु अगर इस तरह के संयोग होते हैं तो दैवी संयोग होते हैं। ये चित्रकूट के संतों का आशीर्वाद तो है ही है, और ये सब संयोग भी दैवी होते हैं। अगर भगवान की ऐसी इच्छा है तो चित्रकूट के संतों का तो आशीर्वाद है उनके साथ। यात्रा में शिवरंजनी तिवारी के पिता, भाई और अन्य लोग भी शामिल हैं।